लेसे भी इसने रखी हुई हैं, और क्या कहते हैं ये नलकियां, जिपें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। 10 बजने में 10 मिनट है और ऑफिस से मैं लेट हो गया हूँ यार। जस्ट जल्दी से मैं शर्ट पकड़ूँ और ये है तैयार होने का जल्दी से सही तरीका। भाई सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब मैं अपना बैग पकड़ूँ, आज लूंगा मैं ब्लैक ग्लासेस, ठीक है। बैग पकड़े और ये बैग और मेरा लंच। ऑफिस पहुंच गया हूँ और बड़ी शूटर निकला हूँ यार, बहुत तेजी में। ऐसा अच्छा तेजी में पहुंचा हूँ, फटाफट पहुंचने ही है बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, कैसे गुजर रहे हैं दिन, कैसे गुजर रही हैं रातें। बड़ा शूटर आया हूँ मैं यार। ओ वार्डन ने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं रुका ही नहीं। नहीं, मैं कल मैंने ये स्केच शुरू किया था, आज इसके ऊपर वर्किंग करते हैं और देखते हैं हम इसके ऊपर मज़ीद और क्या वर्किंग कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो गाइस अभी मैं आया हूँ अपने सारे यारों के पास और इधर अभी सारे हमारे काम रेडी हो गए हैं। हमारे जो ये सैंपल लास्ट वीडियो में जो मैंने डाला था, ये सैंपल ये अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। काली आंख बना दी है माने ने, अपनी तरह से आंख बनाई है वैसे माने। ये भगवान क्या जुल्म है। तो गाइस अभी ये इसका फ्रंट भी रेडी है, इसकी बैक भी ऑलमोस्ट डन है। अभी काके ने नया हमारा गाउन शुरू किया हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी इतना अच्छा सैंपल बनाया है। और कल माने ने जो है ना मिठाई बांटी थी, इसकी शादी होने वाली है, इसके लिए ज़रूर दुआ करना कि इसकी शादी जो है वो सक्सेसफुल रहे। मज़ा आया नहीं तो शादी करना बड़ा आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है यार। तो फाइनली गाइस अभी मेरा ये स्केच जो है ऑलमोस्ट ये स्टाइल को दिया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा जाल आएगा और यहाँ पर भी थोड़ा सा जाल आएगा। अमजद ने इस टाइम पे बहुत खूबसूरत स्केच बना दिया, कमाल करते हुए पांडे जी। तो फाइनली गाइस ये मेरा स्केच जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। फाइनली गाइस खाना हमारा शुरू हो गया है, दही बल्ले हैं वो पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये साग गोभी और ये है चने की दाल, अमेजिंग। तो मिलते हैं अब खाने के बाद। गाइस खाना मैं खा चुका हूँ, बहुत मज़ेदार था आज, मज़ा आया था। दोपहर के खाने का बहुत मज़ा आता है, रंग बिरंगे डिफरेंट डिफरेंट आइटम के जो है ना रेसिपी होती है, सालन होते हैं और उल्टे तवे की रोटी, तो कमाल है, कमाल मज़ा आता है। अभी अली इस टाइम पे जो है सफाई कर रहा है, अमजद सफाई को शॉपर बैग बना के इसको साथ ही ले जाएगा ये। चुप हो जाओ। तो गाइस ये आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि कितना बड़ा इन्होंने दरख्त काट दिया है और सारा ये दरख्त ऐसे बिखरा हुआ है। काका मेरे पास बैठा हुआ है और काके का नाड़ा नज़र आ रहा है। जैसे कोई माना जो है ना चाय लेकर आ गया है, वाइट वो इतनी वाइट चाय माने। मैंने खाला दूध, छोटा दूध डाला, अपना दूध, अपना दूध डाला है। माने खालिस चाय, ये लंच के बाद फौरन चाय इसलिए पीते हैं कि जो गले में खराश क्रूश है ख़त्म हो जाए। नहीं वो है ना, खाने होते ना बाजार के हैं, ऑयली खाने होते हैं तो इस वजह से चाय पीते हो ताकि गला तर रहे, खराश से गला ना खराब हो। और आगे इसकी शादी भी होने वाली है, इलाज भी करा रहे था, तो इलाज करा रहे। तो गाइस आज काके ने ना बड़ी गुड़ की बात कही है, मर्दाना कमजोरी की। कुछ भी। तो फाइनली गाइस मैं अभी ऑफिस से छुट्टी हो गई है और शैली का फोन आ गया है। शैली ने एक नई जिम्मेदारी दे दी है, वो कहते बैंक में एमसीबी में, तो वहाँ जाता हूँ और उनको लेता हूँ और फिर घर जाता हूँ। तो मैं वापस घर पे आ गया हूँ। शैली का मुझे फ़ोन आया था कि आप कहने तो मैं ऑटो से आए थे, तो शैली अब ऑटो से आ रही है, मैं घर आ गया हूँ। अब घर आके थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, सारा दिन आज काम में काफ़ी मज़ा भी आया, बिजी भी रहा और थोड़ा सा थक भी गया। तो अब मिलता हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
A few moments later. तो गाइस मैं फ्रेश हो चुका हुआ हूँ, ठीक है। अभी शैली का फोन आया, वो ऑटो से चाची के घर जा चुकी है। अब चाची के घर जाके फिर उसको लेता हूँ और आप लोगों को भी साथ लेके चलता हूँ। तो चलते हैं चाची के घर, ठीक है। मुझे अपने घर जाना है। तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ चाची के घर। अब चाची के घर पहुँच गया हूँ यार, अब चलते हैं ऊपर। पहुँच गए हैं और बेगम और बहू रानी भी बैठी हुई है। और बहू रानी कहाँ थी? बहू रानी मामा की तरह थी। हाँ चले। तो कहते मैं चाह रहा हूँ लेकिन घर जाने की कोशिश करूँ, लेकिन चाची ने मेरा आके डिमांड कर दी कि चाय पी के जाना। तो चाय पी के तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस चाची घर से हमने चाय वाय पी ली है, मटका अपना फुल कर लिया है। अब हम जा रहे हैं घर। टिक्कू जी सो गई हैं, अब टिक्कू को उठाना पड़ेगा और उठा के बाइक पे कैरी करके जाना पड़ेगा। और ये रोहित ने नहीं, क्या नाम है, राहुल ने बड़ी ज़बरदस्त ये पिक्चर बनाई है और बहुत क्यूट लग रही है ये पिक्चर। तो गाइस मैं घर पहुँच गया हूँ और ये पगले आ गए हैं घर में फ़ौरन ही ट्यूशन से भाग के। और ये मैं अभी दही लेकर आया हूँ, इसमें चीनी डाल के इसको ठंडा चिल करके तो दही खाते हैं। बड़ा स्मार्ट लग रहा है पर्पल शर्ट पहन के यार तुम। यार हैं कैसा रहा तुम्हारा पेपर, क्लियर हो गया? उम्मीद है, हैं देख ली। कित चांस है पास होने के? नहीं, इधर नजरें मिला के बात करो। हैं तुम्हारा तो मुझे पता है कि तुम आज इस दफा जो है ना पास हो जाओगे। पास नहीं तो मतलब पोजीशन अच्छी ले लोगे। एक पेपर में क्यों फेल? दस यार देख टिक्कू, टिक्कू ने टॉप करना है, मुझे इतना पता है। टिक्कू तो हमेशा टॉप करती है भाई। अपने क्लास के मॉनिटर है, मजाक नहीं है, बता टिक्कू। तो टीचर ने कुछ कहा था नहीं? टीचर तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती है क्योंकि टीचर को पता है कि तुम्हारे बाप का नाम इरफान। अच्छा गाइस अब मेरा दही भी ठंडा हो चुका होगा। अब मैं देखो मेरा दही ठंडा हो गया है। स्टील के बॉल में दही को ठंडा करने का फायदा ही होता है कि जल्द से जल्द ठंडा होता है। दिया गाइस अभी मैंने दही भी खा लिया है। दिया अभी अपना फ्लावर कर रही है। क्या आप कह रही हो तुम टिक्कू? टिक्कू ने भी दही खाना है, टिक्कू को भी दही बहुत पसंद है। तो अभी टिक्कू भी दही खा रही है। चीनी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा चीनी नहीं खाते, ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं होती। अब इनको टेस्ट करो। अब ठीक है नहीं। चलो तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर रोहित की विक्की के लिए। विक्की ने शॉप की है, उसकी शॉप के लिए मिठाई लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है और मज़ेदार चीज़ें हैं। ब्रेड भी है, ये भी है, वो भी है, रटरम है, पटरम। गाइस अभी हम लोग विक्की के घर पहुंच गए हैं और ये ऊपर चल रहे हैं, ये ऊपर विक्की के घर पे। ओए होए होए होए, कसमें इतनी सीढ़ियाँ। तो घर इनका काफ़ी हद तक तैयार हो गया है। ये रज़ाई रखी हुई है, मेरा शेड आ रही है रज़ाई के जो है ना, मतलब धुलने के लिए रोई रखी है इन्होंने। और अभी हम पहुंच गए हैं। ये है वो छोटी जिसकी सालगिरह थी, जिसके सालगिरह पे हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया था। तो गाइस अभी हम जो है ना वो विक्की की शॉप पे जा रहे हैं, जिसकी मैं लास्ट टाइम वीडियो दिखाई थी, जिसने मशीन ली थी विक्रम से जाके मेरे साथ इतवार के दिन। तो अभी हम उसकी शॉप पे जा रहे हैं। आज उसने अपनी शॉप रेनोवेट कर ली है, तो उसने स्पेशली मुझे बुलाया कि यार इरफान भाई आके जो है ना मेरी शॉप आके देखो। तो अब मैं अपनी शॉप पे जा रहा हूँ, तो अभी उसकी शॉप पे जाके। ये है विक्की की शॉप, लेसे भी इसने रखी हुई हैं और क्या कहते हैं ये नलकियाँ, जिपें, ये वो, ये ओवरलॉक की मशीन, ये जो की मशीन जो लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में आपने देखी थी, काफ़ी साफ़ सुथरी करके रखी है इसने। और ये तो इसने बहुत ही कमाल का काम किया यार। और गाइस ये सारा इसका है,
बहुत अच्छा है, इसके लिए खास दुआ करना। इस बंदे ने बहुत मेहनत की है और आप भी दुआ करना कि इसका कारोबार लशपश चल सके और नौकरियों से उसकी जान छुट जाए। मज़ा आया। तो फाइनली गाइस, अभी आपने देख लिया कि हम दुकान का इफ्तिताह कर चुके हैं। इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पर बुलाया था। ये सारे पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। चल झूठा। और ये रोहित अभी जा रहा है, ठीक है। इसको फ़ोन आ गया इसकी गर्लफ्रेंड का, तो ये डेट पे जा रहा है अभी, तो डेट के बाद ये फिर वापस आएगा। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो गाइस, मैं और आदि अभी इस टाइम पे जा रहे हैं वापस रोहित विक्की के ही घर। रोहित का घर पति कहाँ से बीच में आया था, रोहित के घर से तो अभी हम लोग आए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं विक्की के घर। शॉप का मैंने इफ्तिताह कर दिया और आज आपने देखा कि मेरे कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत इंसिस्ट किया था। मैं अपना कीमती टाइम निकाल के जो है ना एक रिबन काटने के लिए इतनी दूर आया हूँ। तो ये आप सबका प्यार है, मेरे सब्सक्राइबर्स का, कि जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतनी मुझे रिस्पेक्ट दी। आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम थैंक यू सो मच, दिल से गाइस थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं और एडिटी ब्लॉग में शामिल हो रहे हैं। तो अब आपसे मिलते हैं हम घर जाके। ये भी जो है ना सब्सक्राइबर्स मेरे आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये पीछे पलट के भी देखा है इन्होंने, ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे हैं, पीछे पीछे आगे आगे मेरे चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ पीछे हैं, कुछ आगे हैं, वो कहते हैं कि जी हमने आपको कहीं जाने नहीं देना, तो आप हमारे घर से ना चाय शाय पी के जाएँ। तो मैंने बोला चले जैसे आप कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस, अब मैं घर पे आ चुका हूँ। बहुत बहुत थक गया हूँ यार, बहुत ज़्यादा। तो अभी अपना ब्लॉग ना मैं यहीं पर ही एंड करने लगा हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो। तो गुड नाइट, स्लीप टाइट एंड स्वीट ड्रीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।